नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एनी रीजन पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मज़े में होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा नाम है निकुल वाघेला। मैं रतन। आज जो हम वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाला है वो है, उस वीडियो का टाइटल है उत्तर पूर्व का योगी जी हेमंता बिस्वा शर्मा ठग लाइफ। तो असम के ये चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी ठग लाइफ के बारे में ये वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलें। हम दोनों का इंस्टाग्राम आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को करते स्टार्ट। 1 2 3 एंड स्टार्ट। मदरसे बंद होंगे, मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में भी बैन, जनसंख्या नियंत्रण, लव जिहाद, मियां वोट नहीं चाहिए, ये सब समझ रहे हैं ना? मैं अगर बोलो कि वोट दीजिए तो देगा। अच्छा जी, पीएम हायर ब्रांडिंग कर दी, हेमंता बिस्वा शर्मा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा लगता है जैसे ना कोई योगी जी, और मतलब उत्तर पूर्व का योगी कहते हैं आपको। तो तगड़ा इंटरव्यू होने वाला है। मैं कभी उत्तर प्रदेश गया भी नहीं हूँ, शायद जीवन में एक दो बार गया हूँ। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि भारत में हर प्रदेश में जो होता है एक ही होता है, कल्चर एक है, सिविलाइजेशन एक है। तो वहाँ फायरिंग हुआ, यहाँ फायरिंग हुआ, वो सब तो बुरा बात है, लेकिन अच्छा बात भी तो एक ही जैसा होता है। नहीं, वहाँ गाड़ी पलटती है, यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं बोला ना, वहाँ भी शादी होता है, यहाँ भी शादी होता है। वहाँ भी लोग कपड़ा पहनता है, वहाँ भी लोग कपड़ा पहनता है। ये तो सही बात है। मदरसों से क्या दिक्कत है? तो बंद करने का इरादा है। बंद खुला बोलता है, बंद करने का इरादा पूरा। 700 अराउंड 700 मदरसा बंद हो चुका है, बंद कर दिया, और बाकी मदरसा को कोई नर्सिंग स्कूल, फार्मेसी स्कूल, मेडिकल स्कूल, ये सब बनाने का मन में इरादा है। कितना संभव होगा नहीं होगा नहीं जानता, लेकिन इरादा वही है कि हमारा मुसलमान भाई बहन मदरसा में ना जाए, उसका जगह में वो लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, समाज को रोशन करे। मन में इरादा बोल रहा है, ना कर पाऊंगा पता नहीं, 700 अभी तक हुआ है। तो मदरसे बंद हो जाएंगे तो विरोध, मतलब पूरा बैन मदरसे पूरा, अभी स्कूल हो गया ना। अच्छा, जो 700 सरकार चलाता था मदरसा कांग्रेस का जमाना, कोई वजह क्यों? तो अभी मैंने स्कूल कर दिया, लोग खुश है। मैंने बच्चा को पूछा, रहते हुए भी मदरसे भी रहे, स्कूल भी रहे? नहीं नहीं, पता नहीं आपका यह सजेशन है, लेकिन मैंने जब स्कूल में गया, मैं लोगों को पूछा क्या बनना चाहते हैं बेटा, दादा मैं डॉक्टर बनना चाहता। मैं बोला आप तो गलत जगह में आ गया, यहाँ तो आप डॉक्टर नहीं बनेगा, यहाँ तो आप मोलो भी बनेगा। बोले ऐसा है क्या? बोले आप तो मदरसा अगर पढ़ेगा तो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? तो बच्चा बोला क्या हम लोग डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ? मैं बोला ना, ये स्कूल से तो नहीं बन सकते हो बेटा, क्या बनेंगे? तुमको किसने डाला? बोले मेरा पिताजी ने इसमें डाला। तो मैं बोला देखो, ये तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तुमको जब डॉक्टर बनना चाहिए था तो तुम अभी मौलवी कैसे बन सकते हो? तो इसलिए मैंने वो स्कूल नॉर्मल स्कूल तक कन्वर्ट कर दिया। अभी लड़का लड़की बने, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अच्छा होगा। मदरसे बंद होंगे, मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में भी बैन, जनसंख्या नियंत्रण, लव जिहाद, मियां वोट नहीं चाहिए, ये सब समझ रहे हैं ना? मैं अगर बोलो कि वोट दीजिए तो देगा। अच्छा, आपको मियां वोट नहीं चाहिए? अरे मैं बोला कि देखिए, मैं आपको बोला मैं आपको प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा पक्का मन में है कि आप उसको प्यार नहीं करते हैं। तो मैं आपको क्यों बोलो जाके करेंगे तो कहां से प्यार करेंगे? मदरसा तो मैं कौम का अच्छे के लिए बन किया ना, ये तो कौम के लिए। तो मेरा, मैं ये नहीं चाहता हूँ मेरा नाम इतिहास में लिखा होना चाहिए, लेकिन अगर कौम का कभी इतिहास बनता है तो लिखना चाहिए कि ये
असम से मौलवी से ज़्यादा मुसलमान समाज में डॉक्टर ज़्यादा होता है, इंजीनियर ज़्यादा होता है। अगर वो काम मैं 5 साल में कर सकता हूँ तो उससे ज़्यादा मुसलमान समाज तक कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, आप बताइए। तो मियाँ वोट नहीं चाहिए देगा, आप खबर करिए, दो दिन और तैयार हो जाएगा तो मैं बोलूंगा वोट दीजिए। आप बोलेंगे चाहिए तो मिलेगा, इसलिए बोलता है देगा, इसलिए मांग ही नहीं रहा, नहीं चल होना चाहिए। तो चलिए ये वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। तो असम के चीफ मिनिस्टर का बात हमने सुना, इसीलिए शायद इनको उत्तर पूर्वी का योगी जी बोलते हैं। काफ़ी उनकी लाइफ ठग वाली लाइफ है, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं वो उनके समाज के लिए गलत नहीं कर रहे हैं, इरादा उनका अच्छा ही है, उनको अच्छा ही करना है। लेकिन फिर भी आपको तो पता है, जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको लोग टांग खींचेंगे, गालियां देंगे, है ना, क्या कहना है? सीढ़ी के ऊपर उठने नहीं देगा इनको, सीढ़ी क्योंकि पहले से उसका वो गिरा देगा। कि इन्होंने जो बोला ना, मदरसा इन्होंने बंद नहीं किया, इन्होंने क्या किया है, स्कूल बनाने का इरादा है, स्कूल वगैरह में, मेडिकल स्कूल में, नर्सिंग होम में उसको कन्वर्ट किया है ताकि वहाँ का जो एजुकेशन स्केल है वो थोड़ा अप हो सके, अच्छे के लिए सोच रहा है ना, और हो भी रहा है, ये जाहिर बात है। असम में इनके आने के बाद काफ़ी फ़र्क पड़ा है स्कूलों में और मदरसा में, मदरसा को भी इन लोगों ने बहुत मतलब एकदम बंद नहीं किया है, अपग्रेड करके रखा है बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बात तो है, इनका जो गढ़ है ना वो थोड़ा अलग है योगी जी ऐसा है, इसीलिए इसको उत्तर पूर्व के योगी जी बोला जाता है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, इनका इरादा है या जो भी है तो अच्छा है सर, अच्छे के लिए जो भी कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है, ये तो नहीं। हाँ, वीडियो देखने के बाद थोड़ा वो तो लगा होगा अलग से, है ना, रिएक्शन कि भाई क्या कर रहा है। तो चलिए यहीं पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। आपकी क्या राय है असम के सीएम के बारे में, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप हमारे वीडियो पे अगर नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हम दोनों का इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो करें। थैंक यू।